के गया तो पानी नहीं आ रहा, अगले वाले कोच में निकल गया, उसमें भी नहीं आ रहा पानी। मिल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, 100 का आपको पड़ेगा, दुरंतु का, स्लीपर क्लास का ब्रेकफास्ट जिसमें आपको ऑमलेट मिल जाएगा। अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कॉफी हॉर्लिक्स और बूस्ट ये भी आपको मिल जाएगा। कटलेट देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, गोवा स्पेशल है, आप आते हैं ना तो ये सब चीज़ आप ले जा सकते हैं। चॉकलेट देखिए, गोवा का स्पेशल चॉकलेट। इसको लाइट जल रहा है उधर भी। अजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आज हम लोग इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ, ट्रेन नंबर 12283 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, ट्यूजडे को मतलब मंगलवार को। ये ट्रेन एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रात 11:25 पे निकलती है और आपको तीसरे दिन शाम 5:20 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और इस दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। ये रही अपनी कोच S3। तो अभी फिलहाल हम लोग एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और यहाँ पे आपको ई रोड कैफे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खाने पीने का और जूस वगैरह भी, ये देखें ये रहा मेन्यू, ई रोड वेज, प्योर वेज आपको यहाँ पे मिलेगा। केरला मिल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, 100 का आपको पड़ेगा। हम लंच में आज ट्राई किए थे यहीं से मिल्स, काफ़ी बढ़िया था। और देखिए यहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स और बूस्ट ये भी आपको मिल जाएगा। 30 का ये हॉर्लिक्स है, बूस्ट है, ये देखिए यहाँ पे पैकेट रखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ अभी कॉफ़ी ट्राई किए थे हम भाई, काफ़ी बढ़िया था। रात के बज चुके हैं 11:30, तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। और ये देखिए सोने से पहले ये 1 लीटर पानी का बोतल दे दिया गया है हम लोगों को। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और पेंट्री से आ चुका है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो टिकट प्राइस में ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये रहा एर्नाकुलम दुरंतो का स्लीपर क्लास का ब्रेकफास्ट जिसमें आपको ऑमलेट मिल जाएगा, साथ ही वेज कटलेट, ब्रेड और ये बटर, नोवा का क्रीमर, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये रहा इस ट्रेन का कटलेट, एर्नाकुलम दुरंतो का कटलेट, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कटलेट सही है, वेज कटलेट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब VS मोनो ब्लॉग चैनल को जाके अभी फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।
तो 730 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मडगांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAO और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। मडगांव रेलवे स्टेशन पे एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:50 और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुंची है लगभग आधा घंटा डिले, मतलब 30 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है मडगांव और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 108 ट्रेन आकर रुकती है और मडगांव जो है ये साउथ गोवा में आता है और गोवा का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है मडगांव को। और यहाँ से नियर बाय में बीच है आपको कोलावा बीच पड़ेगा जो कि काफ़ी नज़दीक है मडगांव रेलवे स्टेशन से। वैसे अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है, बागा बीच साइड जाना है, तो उसकी जो दूरी है वो लगभग मडगांव रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की है, तो 2000 में टैक्सी पड़ेगा। बाहर निकलिए टैक्सी लेके आप बागा बीच साइड जा सकते हैं। वैसे अगर आपको बागा बीच जाना ही है तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है थिविम, वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी है बागा बीच, मतलब नॉर्थ गोवा आप जा सकते हैं। आज हम लोग का इस ट्रेन में दूसरा दिन है तो लंच जो है मडगांव रेलवे स्टेशन के बाद हम लोग को सर्व किया जाएगा। वैसे 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग किया जाएगा, साथ ही ट्रेन के मैनेजर, ट्रेन के लोको पायलट ये चेंज होंगे। और मडगांव रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, ये रहा 2 नंबर और सामने में 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखिए भाई बीच वाला ड्रेस जो है ना, मतलब टी शर्ट वगैरह गोवा वाला, वो आपको मिल जाएगा स्टेशन पे ही। तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे स्टॉल पे आपको ये देखिए स्वीट्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे एक काजू लड्डू है, ये कैनी लड्डू है, ये गोवा स्पेशल है, आप आते हैं ना तो ये सब चीज़ आप ले जा सकते हैं। चॉकलेट देखिए गोवा का स्पेशल चॉकलेट, ये आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। बनाना चिप्स वगैरह मिल जाएगा आपको। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:05 और अपना लंच आ चुका है। और लंच में हमने अभी लिया है नॉन वेज थाली, मतलब चिकन थाली है। अगर आप वेज लीजिएगा तो उसमें पनीर का सब्ज़ी मिलेगा, तो वैसे देख के तो सही लग रहा है, दाल का क्वालिटी 1 नंबर है। वही बात है ना, अगर आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो खाना जो है ना वो प्रीमियम ही आपको मिलेगा। ये चिकन का 2 छोटा छोटा पीस है ये देखिए, और साथ में ये प्लेन राइस दिया गया है और इसमें 2 पराठा दिया गया है और ये है कर्ड, साथ में ये टॉप्स का चिकन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का चौथा हॉल्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है RN और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 5:10 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है रत्नागिरी और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 107 ट्रेन आकर रुकती है। रत्नागिरी जो है ये लोकमान्य तिलक जी का बर्थ प्लेस है, साथ ही अपने हापुस आम के लिए जाना जाता है रत्नागिरी। अगर आप रत्नागिरी आते हैं तो यहाँ से आप वड़ा पाव ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। और देखिए यहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल जाएगा, ऑरेंज है, बनाना है,
गुआवा है 60 का चार, और ये वड़ा पाव का ये जो मसाला है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन चिपलून रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। और देखिए अपने कोच का लाइट, देखिए ये डिस्को लाइट जल रहा है, उधर भी जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 6:20 और ये देखिए कॉफ़ी आ चुका है। वैसे अगर आप स्टेशन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में तो स्नैक्स में आपको कॉफ़ी या चाय और साथ में रोस्टेड चना का पैकेट दिया जाएगा छोटा वाला, तो हमने लिया ये कॉफ़ी और रोस्टेड चना तो पहले ही खा लिए। अभी शाम के बज रहे हैं 7:45 और अपना डिनर आ चुका है पेंट्री से। वैसे लंच में हम लोग ट्राई किए थे नॉन वेज थाली और अभी हम लोग वेज थाली ट्राई कर रहे हैं। और ये वेज थाली रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे बोर्ड किया गया, मतलब 5:10 पे ये थाली जो है, मतलब खाना जो है पेंट्री में बोर्ड किया गया था। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और अभी हम लोग को डिनर दिया जा रहा है। मुझे पहले लगा था कि स्लीपर क्लास में भी खाने के बाद स्वीट्स वगैरह दिया जाता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह दिया जाता है, लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं किसी प्रीमियम ट्रेन में से दुरंतों में, उसमें आपको आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगा, वो आपको एसी कोच में ही मिलेगा। तो ये रहा पनीर का सब्जी, चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। उतना बढ़िया जैसे लग रहा था कि पानी में पनीर का टुकड़ा काट कर डाल दिया गया है, ग्रेवी मतलब कुछ है ही नहीं, पानी की तरह ग्रेवी है। नहीं बताइए, अगले कोच में हम लोग निकल जाएंगे, लेडीज लोग थोड़ी जाएगी, बच्चा थोड़ी जाएगा, बताइए। तो इसी कोच में क्यों खत्म है, दूसरे कोच में भी होना चाहिए ना, तो उसमें पानी अवेलेबल है। तो खत्म होना चाहिए तो सब कोच में होना चाहिए ना जी, एक ही कोच में क्यों है खत्म। हाँ सही बात है, हाँ नहीं भराया होगा वहाँ पे, क्या नाम वड़गांव से आ गया आपने, पानी भरा ही नहीं होगा। अरे पानी था भी सही, पिछले स्टेशन में सर मैं देख रहा हूँ बात, वहाँ पानी नहीं, वहाँ पे पानी गंदा आ रहा है सभी, हमने फिर वो जो इलेक्ट्रिशियन थे ना हमने पूरा खाली कर रखा है, इतना गंदा पानी आ रहा था बीच में, एक बार आया थोड़ा 5 मिनट के लिए आया वो भी इतना गंदा आया, पानी नहीं होते बिल्कुल, अभी रात में कहाँ जाएंगे हम लोग, नहीं सर जी आगे भरते हैं, कब भरोगे रात को, क्या आप कितने तक कब भरोगे, अब जब सब स्टेशन आएगा कब भरोगे, मैसेज कर दिया आज मैसेज, क्या मैं भी वो खुद से कंप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा थोड़े होगा भाई। नहीं सही बात, पानी की प्रॉब्लम है सर, पानी की प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे, टॉयलेट में उधर इतना गंदा इतना बदबू आ रहा है। जब से ट्रेन निकला है तब से वही हाल है, मतलब बाथरूम इतना गंदा है, पानी का समस्या, पानी आ भी रहा था तो गंदा पानी आ रहा था, अब शाम से ही देख रहे हैं पानी ही नहीं आ रहा है।
तो ये है मेरे वॉशरूम के बाहर का बेसिन का हाल। ये देखिए पानी जो है ना, शाम 4 बजे के बाद से ही पानी नहीं आ रहा है, ना ही बाहर और ना ही अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। गाड़ी तो टाइट टाइम थी। हाँ दिल्ली जा रहा है। अच्छा कॉन्टेक्ट बनाता हूँ। हाँ थैंक यू भी अच्छा रहता। प्रॉपर आप लोग यहीं से हो क्या? इंदौर से। इंदौर से केरला में स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा स्टडी कर, फिर यहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के जाइएगा? नहीं, यहाँ से कल जाऊँगा बस से। अच्छा बस से जाइएगा इंदौर। सही, ओके चलें, ठीक है, अच्छा ओके। तो 1240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 5वां हॉल्ट पनवेल जंक्शन, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। और यहां पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 9:45 और हम लोग जो ट्रेन है यहां पहुंची है 30 मिनट डिले। वैसे अपनी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन आउटर पे लगभग आधे घंटे से ट्रेन रुकी हुई थी। वैसे 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है पनवेल, और यहां फिलहाल अभी रोजाना 149 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे अगर मैं खाने की बात करूँ इस ट्रेन की, तो लंच काफ़ी बढ़िया मिला, लेकिन डिनर जो अभी हम लोगों ने ट्राई किया भाई साहब इस ट्रेन का, कितना बढ़िया नहीं लगा। मतलब इससे बढ़िया तो नॉर्मल ट्रेन का पेंट्री का खाना है, पनीर की सब्जी, बताइए पानी की तरह ग्रेवी था, उसमें पनीर का टुकड़ा डाला हुआ था, बताइए ऐसे में कैसे काम चलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, 4 बजे के बाद शाम से ही पानी नहीं आ रहा मेरे कोच में, पैसेंजर दूसरे कोच में जाके यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्लेन किया गया, तो यहाँ पर शायद वाटर फिलिंग किया जाएगा, चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पर वाटर फिलिंग किया जा रहा है कोच में। तो अब जाकर पानी आ रहा है, सही है, अभी वॉशरूम की साफ सफाई हो रही है। तो 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पनवेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अपनी ट्रेन यहाँ आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और यहाँ पे जो पानी की जो समस्या थी उसे दूर कर लिया गया है। अब पानी आ रहा है वॉशरूम में, तो सभी पैसेंजर परेशान थे पानी को लेकर। अभी टाइम हो गया रात के 10:20, तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट पैंट्री से। और ब्रेकफास्ट में ये देखिए एक कचौड़ी मिला है, एकदम पत्थर सा लग रहा है, तो बहुत इसमें ऑयल है और ठंडा भी हो गया है। ऑमलेट के साथ दिया गया है वेजेस, ये नोवा क्रीमर दिया गया है चाय के लिए, टोमेटो केचप। और आज के ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर ये मिसिंग है, ये देना चाहिए था लेकिन ब्रेड बटर नहीं दिया गया है, उसकी जगह पर ये कचौड़ी दे दिया गया है, बताइए। और ये ऑमलेट सिर्फ दिया गया है और टोमेटो केचप दिया गया है। स्लीपर वाले लोगों को ना, मतलब जो मन में आया वो थमा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको शायद पता नहीं होगा। अब आते हैं, ये ब्रेड नहीं था क्या अपने पास? ब्रेड था ही नहीं भाई, ब्रेड था ही नहीं इनके पास, एकदम पैसेंजर बढ़ गया भैया, 150-200 पैसेंजर बढ़ गए। पैसेंजर बढ़ गया, तो सुन लिए रीजन, ये बोलने के पैसेंजर एकदम से बढ़ गए, इस वजह से ब्रेड बटर इनके पास नहीं था। मतलब ऐसा ऐसा रीजन देते हैं ना जो कि लॉजिक का ही नहीं होता है, बिना लॉजिक का। अब पैसेंजर बढ़ गए उनसे क्या लेना देना है, अब जो बुक किया है टिकट में फूड उनको तो मिलना चाहिए ना।
180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 10वां हॉल्ट राजस्थान के कोटा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KOTA और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे कोटा रेलवे स्टेशन पे एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:40 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे कोटा जो है ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और कोटा जो है ये जाना जाता है अपने एजुकेशनल हब के लिए जाना जाता है, खास तौर पे मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो कोटा का फेमस है क्या, कचौड़ी। ये देखिए गर्मा गर्म भजिया आपको स्टेशन पे मिल जाएगा। दोपहर के बज रहे हैं 1:10 और आ चुका है पेंट्री से हम लोगों का ये लंच और आज हम लोगों का तीसरा दिन है और फिर से हम लोगों ने वेज थाली मंगाया है। वैसे ये जो खाना है ना ये बोर्ड किया गया है कोटा रेलवे स्टेशन पे, मतलब कोटा जंक्शन पे बोर्ड किया गया है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कोटा का खाना कैसा है। वैसे कल जो हम लोग डिनर ट्राई किए थे ना रत्नागिरी का, उतना बढ़िया नहीं था। अभी देखते हैं, अभी सब्जी में ना वेज लिए हैं लेकिन वेज में पनीर की सब्जी नहीं है, आलू मटर की सब्जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आलू मटर की सब्जी है, देखने में तो सही लग रहा है, क्वांटिटी थोड़ा सा कम है। और ये दाल है, ठीक है, मतलब आज का खाना सही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो ये जो ट्रेन है ना ये चलती है 3 स्लीपर कोच के साथ, इसमें 10 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है, साथ ही इसमें 2 सिर्फ सेकेंड एसी का कोच है और 1 फर्स्ट एसी का कोच है, साथ ही 1 हैंडीकैप कोच के साथ चलती है और पेंट्री कोच लगा हुआ है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं एर्नाकुलम से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में, मतलब इन टू इंडिया आप ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 980 रुपया। वही अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2700 रुपीज़। वही अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 4000 रुपीज़ और फर्स्ट एसी का फेयर है 6800 रुपीज़।
2640 किलोमीटर और लगभग 42 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी हम लोग की यहीं समाप्त हुई। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो ट्रेन जो है यहां हम लोग को पहुंचाई है 15 मिनट डिले। वैसे अपनी ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:20। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस पंक्चुअलिटी देख लीजिए, पंक्चुअल लगभग ट्रेन पंक्चुअल ही रहती है। और रही बात खाने पीने की, तो पेंट्री से खाना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वही है कि रत्नागिरी से जो खाना बोर्ड किया गया था ना वो बेकार था। अदरवाइज आज का जो खाना था कोटा से लंच हम लोग को दिया गया वो खाना काफ़ी बढ़िया था। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई स्लीपर क्लास में 9 के बराबर है भाई साहब, एकदम लास्ट में आज जाके साफ़ सफाई किया गया। वाशरूम का कंडीशन तो कभी ठीक था ही नहीं, कहने के बाद आके साफ़ करते थे फिर वही हाल हो जाता था। और सबसे बड़ी बात कि पानी की समस्या पूरी जर्नी के दौरान इस ट्रेन में हुआ है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टेक पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। और एक और चीज़, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि भैया Q&A वगैरह क्यों नहीं करते हैं, तो भाई एक लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, मेरा Q&A कह सकते हैं आप, एक तरह से वीडियो है, आप जाके देख लीजिए।